आज से कुछ दिन पहले आप सब देखते रहते हैं कि कुछ लोग कई लोगों को पत्रकार जिस भेष में पत्रकार की जो बेखूबी जो किरदार जो निभाते हैं वही लोगों को जब अपनी प्रवचन जब लोगों के सामने में जब विश्लेषण की माध्यम से जब लोगों को दिखाते हैं बताते हैं तो लोगों को लगता है नेता बनने की इच्छा होती है। हालांकि पत्रकार बनना जर्नलिज्म करना नेता से भी बढ़कर है, नेता से भी ऊपर है। दोस्तों आप सब जानते हैं पत्रकार बनना इतना भी आसान काम नहीं होता है और पत्रकारिता करना इतना भी आसान काम नहीं है, क्योंकि जिस कड़वे सवाल को अगर आप पूछते हैं पब्लिक को वही कड़वे सवाल अगर आपको अगर पूछा जाता है तो आप सुनने की बर्दाश्त नहीं करते हैं, लोगों को बतलाने की बर्दाश्त नहीं करते। ये सच्चाई है और ये सच्चाई जितने भी जो फील्ड में जो माइक लेकर के घूमने वाले सबके साथ यही हाल है, क्योंकि इस सच्चाई को मैं आज से कई साल में एब्जॉर्ब कर चुका हूँ और ये आज जब प्रैक्टिकल तौर पर जब लोगों के सामने में जब मैंने पेशकश करने की जब प्रयास किए हैं तो कई सारे लोगों को खुद को एनालिसिस होने लगे कि हम कितने पानी में हैं या हम कितने खाई में, हम कितने गहराई में हैं, हम कितने किनारे में हैं। हालांकि आज से कुछ दिन पहले आप सब देखते रहते हैं कि कुछ लोग कई लोगों को पत्रकार जिस भेष में पत्रकार की जो बेखूबी जो किरदार जो निभाते हैं वही लोगों को जब अपनी प्रवचन जब लोगों के सामने में जब विश्लेषण की माध्यम से जब लोगों को दिखाते हैं बताते हैं तो लोगों को लगता है नेता बनने की इच्छा होती है। हालांकि पत्रकार बनना जर्नलिज्म करना नेता से भी बढ़कर है, नेता से भी ऊपर है। कई सारे लोगों को आप सब देखते हैं या फिर कई सारे लोगों को ये बात आप अपनी आँखों से देखते होंगे कि दूसरों से बात तो बुलवाते हैं, दूसरों से बात उगलवाते हैं, जब उनसे जब उससे सवाल पूछा जाता है, उनसे जब यही शब्द यही बात को जब उनसे सवाल किया जाता है तो उस सवाल से भागते हैं। जी भागते हैं। ऐसा कई सारे पत्रकार की भेष में जो माइक लेकर के घूमने वाले लोग होते हैं, ये सब बात शायद आप सबको पता नहीं होगा, लेकिन अगर आप सच में और निष्पक्ष के साथ जो अगर कोई पत्रकारिता करता है वो किसी की भी माइक के सामने में किसी के भी सामने में बोलने के लिए तत्पर रहता है, ये आप सबको समझना बहुत ज़रूरी है। हालांकि कई सारे आप सब ने देखा होगा जब भी हमारे झारखंड में ही या फिर अन्य अन्य जगहों पर अगर आप देखोगे पूरे जर्नलिज्म की इंडस्ट्री में अगर आप देखते हैं तो भले दूसरा कोई को तो सवाल पूछने में इतना आसान हो जाता है, उससे बात बुलवाना आसान काम होता है, लेकिन वही सवाल जब आपके आपको दूसरे के द्वारा जब पूछा जाएगा आप जब उस बात को तर्क रखने में जब आप समर्थ होते हैं या फिर समर्थ होते हैं तो तब तय होती है जब आपका मुंह से जवान निकलती है। क्योंकि कई सारे आज भी हमारे झारखंड में बहुत सारे पत्रकार बनके जो माइक लेके जो घूमते हैं उनसे अगर आप सवाल करिएगा या फिर उन्हीं लोगों से अगर आप भी पूछिएगा तो जवान फिसल जाएगा, मुँह दब जाएगा, गले अटक जाएगा, गले सूख जाएगा। क्योंकि ये बात मैं आप सबको इसीलिए बता रहा हूँ, ये बात मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ, भले लोगों से बात निकलवाना आसान काम होता है लेकिन आपकी बात को जब कोई दूसरा कोई जब निकलवाता है तो उससे भी बहुत आसान काम होता है। क्योंकि पिछले दिनों में भी हमारे दोस्त लोगों को जब इस बात के लिए हम प्रैक्टिकल जब हम देखा प्रैक्टिकल जब हम करने के हम प्रयास किए थे लोगों को लगा कि यार हमारे धोती खोल रहा है, ये हमारे जवान खींच रहा है, इस तरह उनको लगता है। लेकिन पत्रकारिता सच में निष्पक्ष पत्रकारिता जो इस इंडस्ट्री में जो पत्रकार हैं वो सबके सामने में बोलने के लिए तत्पर रहना चाहिए, किसी के सामने में अपनी जवान को खुद को पीछे नहीं हटना चाहिए। बहुत सारे लोग जब इसी बात को लेकर के दूसरे पत्रकार से जब पूछने की प्रयास करते हैं बातचीत करने की प्रयास करते हैं तो लोग भागते हैं उससे। खास करके आपने देखा होगा पिछले दिनों में एंकर मैडम को आपने देखा होगा टीवी चैनल वालों ने जब यूट्यूब की रडार पर जब उनको इस तरह से जब खींचने लगे तो घबरा गई थी कि उनको लगा कि हमारे जो जितनी भी सच्चाई है जब पब्लिक के सामने में निकल ली जाएगी देखी जाएगी पब्लिक लोग देखेंगे और हमारी जितनी भी जो फेम मैम नेम
ये नहीं मिलेगी, इस तरह से लगता है। लेकिन आप भी जब किसी सेकंड पार्टी के पास जब सवाल का जवाब जब आप ढूंढने जाते हैं तो उनको भी यही लगता है, क्योंकि ये जर्नलिस्ट, ये वीडियो फुटेज, ये कैमरा ही ऐसा ही है कि आपकी सारे अंदर आपकी जितनी भी इंसानियत से सारी बातें कुछ सबको निकाल देती है। ये कैमरा ही कुछ ऐसा है, इसीलिए डिजिटल इंडिया पर आज की तारीख में झारखंड एक अलग दिशा, हमारे भारत देश अलग दिशा पर जा रही है। और ये बात मैं आप सबको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल परसों जब हम इन बातों को लेकर के जब हम प्रैक्टिकल करने के हम प्रयास कर रहे थे तो लोगों को काफ़ी अचंभित लगा, और लोगों को इस बात के लिए अचंभित हो रहे थे कि यार विश्राम इस तरह से हमारे साथ क्यों करता है। हालांकि किसी के सामने में सवाल पूछना, किसी के सामने में सवाल रखना आसान है, हम भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, ये एक छोटा से छोटा बच्चा भी कर सकता है। लेकिन वही सवाल आपके सामने में अगर कोई व्यक्ति जब रखता है तो उस जवाब को देना इससे भी और बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए हम लगातार ऐसा ही कई तरह की हमारे झारखंड में जो रिपोर्टर हैं उन सब से हम इंटरव्यू करने वाले हैं फ़ोन पर, क्योंकि अभी हमारे जा के या फिर किसी के जा के इंटरव्यू लेना, उससे संपर्क आना थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि आप सब देखते रहते हैं मेरे पीछे या फिर मेरे साथ जो बच्चे हैं अभी, उनकी माँ 8:30 बजे में ड्यूटी निकल जाती है, तो ऐसे स्थिति में अभी फ़िलहाल के लिए कुछ दिन के लिए हम ही इनको संभालना पड़ेगा। अगर उनको संभालने के लिए कुछ अलग से व्यवस्था करना पड़ेगा या फिर गाँव से कोई भी ऐसे व्यक्ति को लाना पड़ेगा जिससे वो संभाल सके, और हम ज़मीन स्तर पर फुल्ली रिपोर्टिंग की भेस में हम ग्राउंडिंग जा सके, ग्राउंड रिपोर्टिंग जा सके। हालांकि कुछ दिन के बाद जिस स्थिति में हम आप देख रहे हैं ये हम काम आपसे करके दिखाएंगे, और इसीलिए हम आपसे इसी बातें करने के लिए हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि बात रखना, दूसरों से सवाल पूछना आसान काम है, लेकिन जब आपके सामने में जब उसी सवाल को जब रखा जाता है, कोई आपसे रखता है, तो उस सवाल का जवाब देने में भी सच में पानी हो जाते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी आप सबको थोड़ा सा अच्छी लगी होगी, और जो बात हम कहना चाहते थे शायद वो आप समझ रहे होंगे, तो अगर समझ रहे हैं तो ये वीडियो अपने लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि भले ही हम ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं कर पाएंगे लेकिन जो बातें हैं वो बात हम आप तक ज़रूर शेयर करेंगे।